आज की रात लगता है बुरा ना मेरा नसीब है। यार ये भिखारी की भी जिंदगी ना बहुत ही कठिन दार है यार। ये भिखारी की जिंदगी मैं जीना ही नहीं चाहता, कैसे भी करके मैं अमीर होना चाहता हूँ। बस अमीर, पैसा ही पैसा होगा, बहुत बड़ी गाड़ी होगी, आलीशान बंगला होगा, स्विमिंग पूल और मस्त सी लड़की। सारे भिखारियों के लिए भी कुछ नहीं छोड़ते बन्नी में, भिखारी तो यही है हमसे बड़े, कोई नहीं उंगली चाट के काम चला लूंगा। अरे ये तो बॉय है ना, बॉय। ये बॉय, ए बॉय, बॉय। अच्छा तू यहाँ कहाँ से आ रहा था? हाँ भाई मैं च्युइंग गम खा रहा हूँ, रोड पे पड़ी हुई थी, देख थूकू च्युइंग गम। इतना भी नहीं यार, मुंह से निकाल के खा ले, थूकी हुई क्या होता है यार। उस साले के मुंह में उंगली दी थी, देखे उंगली काट ली उसने। वो सब छोड़, कुछ नोटिस नहीं करा तूने? नोटिस हाँ कर रहा हूँ ना, अब थोड़ा अच्छा भिखारी लग रहा है तू। ये कोट कहाँ से लाया तू? अबे यार जहाँ मैं भीख मांग रहा था ना, वहाँ पर एक अमीर आदमी आया मस्त सज धज के, उसका पता नहीं क्या हुआ, ब्रेकअप हो गया था शायद। उन्हें कोट उतारा, चश्मा उतारा, फेंक के मारा मेरे पास, मैंने उठा लिया और पहन के आ गया मस्त, जब से स्टाइल मार रहा हूँ यार। लेकिन इसको तो गर्मी में पहनते हैं ना। हाँ यार, सब कुछ दिखावे के चक्कर में पहनना पड़ा ना मेरे को, ताकि सबको लगे मैं गरीब नहीं हूँ और मैं भिखारी नहीं हूँ। उतार लेता हूँ, बहुत गर्मी है। वो छोड़, बरसात में भी काम आएगा ये। बरसात में है पागल, बरसात में कहाँ पहनते हैं? अबे भीगेंगे ना, फटे कपड़ों में पानी जाएगा तो ये बचा लेगा उसे। हाँ शायद इसीलिए पहनते होंगे। हाँ वो सब छोड़, पहले ये बता तूने आज पैसे कितने कमाए? आज पता है तुम आने का नहीं, मैंने कितने कमाए? पूरे 300 रुपए कमाए, 300 रुपए अगली बत्ती में जागे। बस मैंने पूरे 301 कमाए। 301 रुपए? ओ यार तू तो गरीबों में सबसे अमीर होगा, भिखारियों में टॉप का भिखारी होगा तू तो यार। वैसे कहाँ से कमाया तूने? सारी बात छोड़, तू कितना भी कमा रहा हूँ, मैं कितना भी कमा रहा हूँ, 1 रुपए ज्यादा ही तो था। वो तीसरी रेड लाइट पे चले गया था तो ज्यादा बन गया है ना, वरना बनता थोड़ी। वो सब छोड़, मेन बात ये है आज शाम को प्रोग्राम बनाया गया। वो सब छोड़, छपरियों ने तेरे को बजाया नहीं क्या कान के नीचे? कौन मारेगा मेरे को, किसमें इतनी हिम्मत हो गई? तभी तो ये कपड़े फट रहे हैं। ओए ये पहले से फटे है, ये मेरे चिन्ह है, चुनाव चिन्ह। ये एडिडास। हाँ शाम का कह रहा था। शाम का प्रोग्राम क्या कह रहा है तू? चल ठीक है, कौन सी लेके आएगा? पहले काम करते, शाम तक इकट्ठे करते पैसे भीख मांग मांग के, फिर लेके आएंगे देसी। देख भाई मैं देसी बड़े वाली पीऊंगा, ब्रांडेड है। चल फिर चखने का जुगाड़ कर लियो। अबे चखना जुगाड़ कर लेंगे, छोड़ ना वो। अरे हाँ चखना इधर उधर पड़ा रहता ना, वो उठा लेंगे। हाँ तो शाम को मिलते हैं, ठीक है? चल बाय। आजकल भिखारी की भी कोई इज्जत नहीं करता। ओए नूडल्स का पैकेट साला, इसमें भी कुछ नहीं है। अरे आलू भुजिया का पैकेट, इसमें कुछ मिल जाए। वाह इसमें तो नमकीन है, मजा आ गया। थोड़ी सी छोड़ दी इस पागल से ने। ओह माय गॉड, चोक। बाहर निकल, तेरे मेरी टांग पे गाड़ी चढ़ाई पागल जी। क्या है, छुट्टे नहीं है, जा यहाँ से। अरे बाहर निकल। हाँ तू मेरा पैर। अबे ओ भिखारी, क्या दिक्कत है तेरी? ओ पागल जी तेरे को दिखाई नहीं देता, तूने मेरी टांग पे चढ़ा दी, मैं 5 रुपए की अपनी नमकीन काट दी, ये खून आ रहे हैं। तुम गरीब लोग ना यही करते हो अमीरों के साथ, जानबूझ के उनकी गाड़ी के आगे आते हो ताकि उन पे नाम लगा सको कि हमने तुम्हारा एक्सीडेंट कर दिया,
और हमसे पैसे ऐंठ सको। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जैसे गरीबों को भिखारी कहीं का। अच्छा, हमारी ऐसी आदत है, तुम अमीरों की ये आदत है कि कहीं भी गरीब सोया हो उसकी छाती पे चढ़ा दो। ऐसी तूने मेरी टांग पे चढ़ा दिया, मैं ना आपकी पुलिस कंप्लेन करूंगा। अच्छा, तू मेरी पुलिस कंप्लेन करेगा, चल कर ले। मैं भी देखती हूँ कि तू मेरा क्या उखाड़ पाता है। तेरे को नहीं पता मेरे पापा भी पुलिस ऑफिसर है, समझ गया? कुछ ज्यादा हो रहा है, मैं तुम्हारी गाड़ी पे स्क्रैच मार दूंगा। अभी ओ, एक खींच के लगाऊंगी, स्क्रैच मार दूंगा। तुम जैसों की औकात ही क्या होती है। मैं आपकी गाड़ी पे स्क्रैच मार दूंगा। गरीब कहीं का ब्लडी फूल, हमारी गाड़ी के आगे जानबूझ के आगे आते हैं और इसके बाद हमसे पैसे ऐंठना चाहते हैं। औकात होगी इनकी इतनी। चल निकल इडियट, आगे से दिख मत जाइयो मुझे। अमीरों की ना ऐसी आदत होती है, हमेशा गरीबों को ना मारते रहते हैं। कोई नहीं, अपनी 5 रुपए की नमकीन तो खालू नीचे पड़ी मिली थी। तो सिद्धि कहाँ चले गया यार? शाम को बोला था उसने कि प्रोग्राम बनाएंगे, अब दिख नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। शाम को तो यहीं मिलने का बोला था उसने। ए चिद्दी, चिद्दी, ए चिद्दी, चिद्दी है ये, यहाँ क्या कर रहा है? ओ, पार्क में चिल कर रहा है, अभी आता हूँ, रुक जा। भिखारियों की इज्जत ही नहीं है, टांग पे चढ़ा के बेशरम लड़की गई की मेरी टांग, एक की जगह दो टांग होगी, देखियो। बेचारी मर गई टांग मेरी, उसे पत्ती चढ़ा देता हूँ। चुप चाप, अरे अपना घर ना। क्या हो गया, तू उदास क्यों है, रो क्यों रहा है? ये देखिए मेरी टांग। अरे ये तो बहुत सूज गया यार, ये कैसे सूजा? एक पागल सी ना, मतलब मेरा अमीर जी पागल सी लड़की ना मेरी गाड़ी पे पैर चढ़ा के चली गई। पूरी बात बता मुझे, कैसे क्या हुआ? पूरी बात कुछ ऐसी थी। ये अमीर अपने आप को समझते क्या है, है? मेरे बेचारे गरीब भिखारी भाई के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। चिंता मत कर, इसको तो मैं अंदर से मारूंगा, अंदर से लूटूंगा इसको पूरा, हाथ पैर नहीं चलाऊंगा इसको पूरे जमीर से। जमीर होती ना यहाँ मन, क्या कहते हैं उसे, अंदर जिगरा, वहां से इसको लूटूंगा, एकदम कंगाल कर दूंगा इसको मैं। लेकिन तू ये सब करेगा कैसे? अरे तू चिंता मत कर, उसके लिए मेरे पास एक कमीना है। कौन? वही 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 उस्ताद। उस्ताद जी ठीक हो? उस्ताद जी हमने बहुत संकट में है, आपकी मदद चाहिए, ये देखो। अरे रुको रुको, तुम हो कौन पहले ये बताओ। शादी मैं बोलो वो तुम तो। उस्ताद जी देखो हमने बहुत संकट में, ये देखो ये चिद्दी है ना हमारा, ये देखो इसका पैर।
चिंदिया बताना बताना उस्ताद जी को क्या हुआ बता। कुछ हुआ से हमें सबक सिखाना उस लड़की को। आप तो उस लड़की को जानते हो गए ना। हाँ जानता हूँ जानता हूँ। कौन सेक्टर की थी वो? सेक्टर? अरे उस्ताद जी आप लड़कियों से भीख मांगते थे ना पहले है? तो आप तो लड़कियों को जानते ही होगे। पिचपन पिचपन सेक्टर की उसका भाई बिट्टू भी है। इतना मस्त लड़का है भाई, देखोगे ऐसे फैन हो जाओगे उसके तुम। ऐसे टिंच टुंच कपड़े, चश्मा, कुत्ते कुत्ते, बिल्ली बिल्ली, पैसा ही पैसा। और तुम उससे चाहते क्या हो? बदला बदला बदला। हाँ साजी बदला, बाद में पिएंगे ना। पैसा आएगा तब उस्ताद जी। बदला सॉरी बदला चाहते हो? बदला मैंने तुम दोनों को बताया था ना, उसका भाई बिट्टू, उसको पटाओ। अच्छा उस्ताद जी मतलब कह रहे हो आप बिट्टू को पहले पटाए? बहुत ऊंची चीज है, बहुत ऊंची। बदला ऐसे ऊंची ऊंची जो होती है ना, ऐसे इमारतें इमारतें जो होती है लंबी लंबी, वो उसे पूछ के बनती है। ऐसे एलियन वेलियन के बारे में, स्पेस के बारे में, रॉकेट कैसे बनेंगे वही बताता है। तो पटाएंगे कैसे? तो बहुत समझदार है हमसे। अरे वो टेंशन मत लो, हम करेंगे ना जुगाड़। ठीक है। हाँ उस्ताद जी आप दिक्कत मत लीजिए, पटा लेंगे। उसके बाद जब लूटेंगे ना उसको, फिर आप और हम दोनों तीनों मिलके पैसों की बारिश। उस्ताद जी एक आखिरी बार हो जाए। हमें वेल्डिंग का काम भी तो करना है। अबे यही है ना बिट्टू का घर? पता नहीं तू ही तो कह रहा था ना कि बिट्टू का घर यही है। लग तो यही रहा है, उस्ताद ने बताया तो यही का रास्ता था। यही है क्या? 15 नंबर क्या था वो? हाँ जो भी है यही है। गेट बजा के देखता हूँ। अरे बिट्टू क्या हाल चाल? अरे हम तेरे दोस्त। दोस्त दोस्त तो मैं खा गया। अरे तो ये बिट्टू है क्या? ये लग तो नहीं रहा वो इंटेलिजेंट। बिल्डिंग बना के पूछते, ये तो खुद बिल्डिंग के अंदर फंसा हुआ बेचारा। अरे बिट्टू, अरे हम तेरे दीदी के दोस्त हैं, बिजनेस पार्टनर्स। पैसों की बात करने आए हैं। पैसों की बात करने हैं, अपनी दीदी को बुलाना। चल चल, वैसे भी हमें बच्चों से बात नहीं करनी, तू चल। चल दीदी को बुला दे। चल पैसों की बात। क्या पहले मेरे से बात करो, समझ आई? बिट्टू तो बड़ा समझदार है। बिट्टू तू देख, तू हमारा दोस्त है अब, तो तेरे को दीदी को तो बुलाना पड़ेगा ना। देख तेरी दीदी हमें जानती है, हम तेरी दीदी को जानते हैं, इस हिसाब से तू हमें जान, हम तेरे को जानेंगे, हम दोनों दोस्त हो गए ना। अरे मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त कैसे हुआ भाई? तेरा नाम बिट्टू, मेरा नाम राहुल, इसका नाम चिद्दी, हो गए जान पहचान। पल ये तो राइम ही नहीं हुआ, मेरा दोस्त टीटू या चिट्टू होगा ना, राहुल और चिद्दी कैसे? क्या यार माइंड फ्रेश करते हैं भाई। चिद्दी माइंड फ्रेश कर, माइंड फ्रेश कर। बिट्टू बिट्टू क्या 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 बोला? तुम्हें दीदी से मिलना है ना, तो तू एक काम करो, इस पे गाना गाओ। डांस करे डांस। चलो ठीक है, एंटरटेनमेंट तो हो ही जाएगा। लो हाँ ठीक है, डांस करते हैं। सज के सवर के चपया बेलू रानी।
ये तो मेरे को भी आता है आपके दोस्त आए दीदी कुछ बिजनेस मीटिंग के लिए। तू क्या स्टाइल मार रहा है, खड़ा रहा ना। ये तो बिल्कुल जानती है मैं मुझ पा लेता। अबे इसने तेरे को टक्कर मारा था क्या? यही वो मीम साहब है। मतलब इसको लूटना है? मन तो नहीं है। मुंह छुपा इसको तो लूटूंगा नहीं, इसको तो पूरा बर्बाद कर दूंगा। टेंशन मत ले चिद्दी। तो यहाँ से होती है लड़की की बर्बादी स्टार्ट। बेबी एक्चुअली ना इमरजेंसी आ गई है। इमरजेंसी? कैसी इमरजेंसी? वो क्या है ना, रास्ते में मेरा पर्स खो गया। मेरे उसमें बहुत सारे पैसे थे और मेरे को बहुत जरूरी सामान लेने जाना था। प्लीज थोड़े से पैसे दे दो। तुम ध्यान क्यों नहीं रखते हो? बेबी क्या बोलूं, ध्यान नहीं रहा मेरा। प्लीज दे दो पैसे थोड़े। कितने पैसे चाहिए? यही कुछ 20-30 हज़ार रुपए दे दो, बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें कल वापस दे दूंगा। 20-30 हज़ार? अभी तो फिलहाल मेरे पास इतने नहीं होंगे। हाँ थोड़े बहुत है, मैं दे देती हूँ जितने मेरे पास हैं। मेरे पास बस इतने ही रुपए हैं। हाँ ये भी दे दो, चलेंगे, हो जाएगा इनमें तुम्हारा काम। हाँ बेबी चलो ठीक है, आगे से ध्यान रखना और इनको संभाल के रखना। ठीक है? ठीक है बेबी, ठीक है। ओके ओके बेबी, बाय। बेबी कहीं जा रही हो? हाँ बेबी मुझे काम था, तो काम से जा रही थी। वो बेबी मेरे को ना जरूरी काम से बिजनेस मीटिंग में जाना है, तो मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्या तुम अपनी गाड़ी मुझे दिखा दोगी प्लीज? पर बेबी मुझे तो काम से जाना है, मैं गाड़ी कैसे दिखा दूँ? बेबी मेरी गाड़ी ना सर्विस सेंटर ठीक होने गई है, प्लीज एक दिन की बात है बस। चलो ठीक है, तुम अपनी बिजनेस मीटिंग अटेंड कर लो, मेरा काम तो होता रहेगा। ठीक है बेबी। यस थैंक यू बेबी। पूरा लूट दूंगा पूरा। ओके बेबी बाय बाय। पूरा लूट डालूंगा पूरा। यार ये राहुल कहाँ गया? मेरे पैसे गाड़ी सब लेके चला गया, आने कहां पर होगा। ये तो मेरी गाड़ी है। अबे अन्याय क्या दिखाई नहीं देता? राहुल तू? ये सब हमारा प्लान था, तूने एक बार भी नहीं सोचा मेरे चिद्दी दोस्त के पैर पे गाड़ी ले जाने से पहले? है नहीं, उसी टाइम मैंने सोच लिया था कि जो तुम अमीर हो ना, गरीबों की बेइज्जती करते हो, भिखारियों की बेइज्जती करते हो, उसी टाइम मैंने ये सोचा था कि तेरे को लूटना है। मेरे ही पैसे पे कूद रहा है, मेरी गाड़ी मेरा पैसा सब कुछ लूट के बैठ गया। तूने क्या सोचा, तू इस पे गाड़ी चढ़ा के चली जाएगी, इसके औकात दिखा के चली जाएगी तो तेरे साथ कुछ नहीं होगा? बेबी कर्मा इज अ बिच। और तेरे भाई को भी चुरा लिया हमने। और हाँ तुम अमीर अपने आप को समझते क्या हो? अभी देख तेरा भाई चुराया, तेरी गाड़ी चुराई, तेरा पैसा चुराया, अभी देख धीरे धीरे तुझे भी कुछ खा देंगे। अभी ओ अंदर गाड़ी के बैठ के ना कुत्ते भी भौंकते हैं, बाहर आके भौंको जब पता चलेगा। पागल, ये तो हमारा प्लान था कि पहले तेरे बिट्टू को फंसाएंगे फिर तुझे। और तू फंस गया? क्या हो गया, फंसी तो गया, तेरे चक्कर में गरीब होली मैं यहाँ पे। और तू फंस गई समझी, ये गाड़ी पैसा जो भी तेरे पास था ना अब सब मेरा है। और तूने मेरे चिद्दी भाई के पैर पे गाड़ी चढ़ाई थी और तूने इसकी औकात दिखाई थी। अब तू अपनी औकात देख, तेरे पास कुछ भी नहीं है। बढ़िया ही, चलो बॉयस गो टू हेल। नरक।
तू पागल है क्या? मैं हूँ इनका बॉस, मैंने इनको सिखाया, बिट्टू पटवाया और बहन पटवाई। अपनी गाड़ी तो पीछे रह गई। हाँ। चल नाइस। हाँ? आजा। साथ चलो अंदर। चलो साथ छेड़ेंगे। पहले तो गाड़ी छोड़ के जा रहा था, अब गाड़ी भी लेके जाऊंगा। चलो उस्ताद। अरे भैया आ जाओ। बड़ी 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 बातें।